विदर्भ के व्यापारियों की प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे बड़ी संस्था नाग विदर्भ ऑफ चैम्बर यानी NVCC पर उस समय से बड़ा वज्रपात हो गया जब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूशनल यानी NCLT ने वर्तमान कार्यकारिणी को बर्खास्त कर प्रशासक नियुक्त करने का फैसला सुना दिया। इस संदर्भ में हमारी टीम ने खास बातचीत की है दीपेन अग्रवाल से। आइए जानते हैं कि क्या कहा दीपेन अग्रवाल ने। देखिए, NVCC में जो वर्तमान अध्यक्ष है उनकी तरफ से जितनी इररेगुलरिटीज़ इलीगैलिटीज़ की जा रही थी वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं थी। उसके खिलाफ हमने NCLT में हमारी पिटीशन दाखिल की थी। तो कल पिटीशन पे हियरिंग हुई है और ऑनरेबल बेंच जो है उन्होंने सीरियसनेस ऑफ इलीगैलिटीज़ को देखते हुए, इरेगुलरिटीज़ को देखते हुए और आर्थिक गड़बड़ियों को देखते हुए एडमिनिस्ट्रेटर यानी प्रशासक बैठाने का नियुक्ति का ऑर्डर कल दिया है। और ये मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि हम जो पूर्व अध्यक्ष हैं NVCC के, जो ये जिम्मेदारी लेके चल रहे थे, हम हमारा संघर्ष जारी रखेंगे और जब तक NVCC की जो गरिमा ख़त्म हो गई है उसको वापस रिस्टोर नहीं कर लेते और जो गौरवशाली इतिहास है उसको वापस रीगेन नहीं कर लेते, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा।